हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम चॉकलेट टूटी फ्रूटी स्लाइस केक बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक बोल और एक छन्नी ली है, उसके अंदर मैं डाल देती हूँ चॉकलेट प्रीमिक्स 1.5 कप। मैंने चॉकलेट प्रीमिक्स की रेसिपी पहले ही डाल दी है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। छानना बहुत ज़रूरी है, तो छान के ही लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं रूम टेम्परेचर का दूध 1/2 कप, और 2 टेबलस्पून डाल देती हूँ मैं रिफाइंड ऑयल। अच्छे से मिक्स करेंगे, ऑयल की जगह आप बटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है चॉकलेट इसेंस 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे विनिल इसेंस भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने मल्टी कलर टूटी फूटी ली है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ चॉकलेट प्रीमिक्स। अच्छे से कोट करेंगे और इसे इसके अंदर डाल देते हैं। आप यहाँ पे क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं टूटी फूटी की। अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करना है हमें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर लिए हैं, यहाँ पे मैं टिन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। दोनों टिन में मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देती हूँ और इसे बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में या फिर कढ़ाई में। आप जहाँ पे बेक करने वाले हो उसे पहले से ही प्री हीट करके लीजिए। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं टूटी फूटी डाल देती हूँ। अच्छे से टैप करेंगे और इसे बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, केक हमारी बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है। मुझे इसे बेक करने के लिए 20 मिनट का टाइम लगा है। अब ये मैंने निकाल के रखे हुए थे 5 मिनट पहले। अब मैं इसे टिन से बाहर निकाल देती हूँ कूलिंग रैक के ऊपर, लेकिन थोड़ा थोड़ा टिन हम साइड से लूज़ करेंगे और इसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये केक बने हैं। अब मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ ये कितने अच्छे बने हैं। बहुत ही चालीदार और स्पॉन्जी बने हैं हमारे ये केक। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, सभी को बहुत ही पसंद आते हैं, तो आप ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। बाय बाय।